કેમ છો બધા મજામાં? ભાઈ લોગ આજ કા વિડિયો ના બોલે તો એકદમ ઢાસુ હોને વાલા હૈ, મગર ઉસસે પહેલે એક બાત બતા દુ, કુછ દિનો બાદ મુંબઈ અંડરવર્લ્ડ કી અગલી સીરીઝ અપન શુરુ કરને વાલા હૈ, મતલબ મજા હી આ જાયેગા, ઇસલિયે આપ લોગ કા બ્યાહ ચાહિયે બાબા, ઠીક હૈ ના? અબ આજ કી કહાની કી બાત કરે તો, આજ અપન જિસકી કહાની સુનાને જા રહે લા ના, ઉસ મામુ કી દિલ્લી સે લેકર હરિયાણા તક ભાઈગીરી ચલ રહે હૈ, છોરા હૈ જવાન, मगर लॉरेंस गोगी से लेकर काला जटेरी तक मामू ने सेटिंग की है। छोकरे का टिल्लू दाजपुरिया के भाईजान बोले तो सुनील मान से कट्टर दुश्मनी चल रहे। अब इधर एक सवाल खड़ा हो गया कि सुनील मान यानी टिल्लू दाजपुरिया, तो भाई ये टोटल गलत बात है। टिल्लू और सुनील मान दोनों ही अलग अलग बंदे हैं। अब टिल्लू को तो आप लोग जानते हैं, मगर सुनील मान को नहीं, तो भाई लोग वीडियो को अक्खा देखना मंगता, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आज जिस बंदे की अपन स्टोरी सुनाएंगा ना, वह वाकई में बहुत ही डेंजर है। छोकरा जब कांड करने निकलता तो सामने वाले के बॉडी में 40 से 50 गोलियां ठोक डालता। सोचो एक ऐसा क्रिमिनल जो चलती वैन में 17-18 पुलिस वालों को मामू बना के गल्टी मार ले, तो एक ऐसा क्रिमिनल जो एथलीट्स में नेशनल लेवल का गोल्ड लाए, तो भाई लोग वीडियो को लाइक करना मांगता और चैनल को सब्सक्राइब करना मांगता, वरना दीपक दित्तर ना भाई लोग सबका चित्र फाड़ डालता। भाई लोग, यहाँ कहानी है दिल्ली के माजरा डब्बास गांव के मिल्खा सिंह की। क्योंकि जब माजरा डब्बास गांव का एक छोरा जब रनिंग ट्रिक पर दौड़ता तो मानो फ्लाइंग मिल्खा बन जाता, मगर आज मामू जेल में बैठे ला। जब ड्राइवर बीता शाम को थके हुए घर लौटते तो अपने लौंडे को दे उनका सारा थकान गायब ही हो जाता, क्योंकि बापू को बहुत ही भरोसा था कि अपना दीपक एक दिन गोल्ड मेडल लाएगा। एक किसान परिवार में जन्मे दीपक डब्बास और तित्तर के पिता बोले तो DTC बस ड्राइवर थे, वहीं दीपक का भाई किसानी करता है। जब दीपक के अंदर छिपे हुनर को बापू ने पहचान लिया तो भेज दिए ला एथलीट ट्रेनिंग सेंटर। उधर जोने ने रनिंग ट्रैक पर ऐसी स्पीड पकड़ी कि उसे देखने वाले हक्के बक्के हो गए। लौंडे ने नेशनल लेवल का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, मगर दीपक की बुरी संगत ने उसे कब गैंगस्टर बना दिए ला, वहां तो आज भी उसका बापू सोच रहे। दरअसल दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में दीपक डब्बास का किसी से लपड़ा हो गया। मामू ने सामने वाले का फिगर फाड़ डाला तो पुलिस आई, पुलिस ने दीपक का फिगर फाड़ डाला, डाल दिया जेल में। जेल में दीपक की सेटिंग हुए लिए हरियाणा के मोस्ट वांटेड दादा बोले तो अजय बरवाला से। अब एक दादा का साथ मिला तो दीपक तो बावरा ही हो गए। कांड बे कांड बरवाला और दीपक की जोड़ी ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बहुत ही कांड किया, हंगामा मचा दिया। इसी बीच दोनों ने मिलकर दिल्ली के मशहूर पहलवान केबल ऑपरेटर बोले तो देवेंद्र राठे को टपका दिया। इस कांड की वजह से अब की दिल्ली पुलिस लौंडे के पीछे लग गए। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बोले तो एकदम ही चरावस, बड़े से बड़े गैंगस्टर का पैजा फ्राई कर डाल दी। दीपक भी दिल्ली पुलिस की रडार में आ गया, डाल दिया तिहाड़ दे। एक दिन दीपक तित्तर को पुलिस दिल्ली से हरियाणा बेसी पर ले जा रहे थे, उस दिन तो बवाल ही हो गया। दीपक ने 17-18 पुलिस वालों को मामू बनाकर गल्टी मार ली। एक साल तक पुलिस तलाश दी रही और तित्तर अपना ठिकाना बदल बदल कर कांड करता रहा। इसी दौरान मामू जा पहुंचा बोले तो मायानगरी बम्बई, उधर बड़े बड़े भाऊ लोग से सेटिंग किए ला। एक साल बाद भीड़ से दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया, तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब जेल में इस मामू ने अपनी एक तगड़ी वाली गैंग बनाई, उसमें रापचिक से रापचिक शूटरों को भर्ती किए ला, और इन्हीं में से एक शूटर था बोले तो मोहित बदानी, जिसके ऊपर अपन ने वीडियो बना रखा है। अब जेल में तित्तर और टिल्लू दाजपुरिया के भाईजान बोले तो सुनील मान के बीच लपड़ा हो गया। उस दिन सुनील मान के साथ तीन छोकरे थे और दीपक तित्तर के साथ था कपिल सांगवान उर्फ नंदू। ऐसा पंगा हुएला कि अक्की जेल में मानो भोगाल मच गया। अब सुनो, सुनील मान टिल्लू दाजपुरिया का दोस्त है और सुनील बालियान उर्फ टिल्लू दाजपुरिया को क्राइम की दुनिया में लाने वाला भी सुनील मान ही है। वैसे सुनील मान जितेंद्र कुकी के गाँव अलीपुर का रहने वाला। अब इधर से शुरू होएगा दुश्मनी, कैसे तो सुनो। सुनील मान सुनील बालियान और टिल्लू का भाईजान है और टिल्लू का सबसे बड़ा दुश्मन था गोगी, तो दुश्मन का दुश्मन हुआ दोस्त, जिसके चलते जितेंद्र गोगी और दीपक तित्तर ने सेटिंग कर ली। जब गोगी फरारी काट रहा था तब दीपक तित्तर ने एक बड़ी गैंग खड़ी कर डाली। वहीं लॉरेंस काला जठेरी कपिल सांगवान क्रांति गैंग इन सभी गैंग्स का गोगी गैंग से गठबंधन करवाया। बोले तो भाऊ का स्टाइल हाजी मस्तान वाला है, सेटिंग करवाना। वहीं 2020 में कुलदीप पज्जा को GTB अस्पताल से फरार करवाया। इस दौरान दीप्तर का एक छोकरा बोले तो रवि बॉक्सर पुलिस हाथों मारा गया। अब होना था दीपक का सबसे बड़ा कांड।
दीपक तित्तर ने अपने खासम का शूटर बोले तो मोहित बदानी को आदेश दिया कि अपने दुश्मन अंचल ठाकुर का गेम ओवर कर दिया जाए। और दूसरे ही दिन अंचल ठाकुर को 70 से 80 गोलियों से छल्ले कर दिया गया। भाई लोग, दीपक तित्तर दिल्ली और हरियाणा पुलिस का 2 लाख का इनामी बदमाश है। वहीं पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड अपराधी भी घोषित कर दिया। तो मामू के ऊपर 40 से 50 केस चल रहे हैं। आज मामू तिहाड़ जेल में बैठेला और अपनी गैंग्स को ऑपरेट कर रहे हैं। चलो भाई लोग, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।